हेलो बच्चों, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं ये हमारे केमिस्ट्री के लिए भी यूजफुल है, बायोलॉजी के लिए भी यूजफुल है, और हमारे बहुत सारे जो जनरल कंपटीशन वाले बच्चे हैं उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। तो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं विटामिन्स के बारे में। विटामिन्स और विटामिन्स पे जनरली हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। ये हमारे जनरल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पूछा जाता है, ठीक है, और 9th 10th जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं उसके लिए भी पूछा जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, विटामिन के बारे में समझेंगे, विटामिन का केमिकल नाम क्या है उसके बारे में समझेंगे, उसके बाद हम उससे होने वाले डिफिशेंसी डिजीज के बारे में समझेंगे, अगर हो सके तो हम उसके कुछ सिम्टम को भी डिस्कस करेंगे। तो धीरे धीरे से आराम आराम से पढ़ेंगे, एक एक स्टेप बाय स्टेप। तो जनरली देखिए, विटामिन जो होता है दो तरह का होता है, एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। एक होता है फैट सोल्यूबल और एक होता है वाटर सोल्यूबल। जो हमारा फैट सोल्यूबल विटामिन है वो है ए डी ई के एडेक, ये हमारा क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। और जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है हमारा वो है बी एंड सी, बी एंड सी। इसको ध्यान में रखना है, ये कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन बी और सी है ये क्या है, वाटर सोल्यूबल विटामिन है, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, जो गांव में ज़्यादातर जो है सो चावल ओवल जो बनाया जाता है तो उसमें क्या किया जाता है, माड़ को क्या किया जाता है, तो पसा के फेंक दिया जाता है। इससे रीजन क्या, इससे नुकसान किस चीज़ का होता है, जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन है उसका क्या हो जाता है, नुकसान हो जाता है, ठीक है ना। उसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में विटामिन बी और सी पाया जाता है जिसको हम लोग क्या करते हैं, फेंक देते हैं ड्यू टू मिसकंसेप्शन, ठीक है। तो हम धीरे धीरे इसकी एक एक हर एक विटामिन के बारे में एक इंडिविजुअल डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है। नोट कीजिए इसे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे विटामिन ए के बारे में। विटामिन ए विटामिन ए विटामिन ए जो इसका केमिकल नाम है, उसका केमिकल नाम क्या है, इसका केमिकल नेम है इसका रेटिनॉल, रेटिनॉल। इसका केमिकल नाम क्या है, रेटिनॉल। और इसके जो इसका जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स इसका क्या है, ग्रीन वेज हो गया, ठीक है, ग्रीन वेज, ठीक है। और भी जो लीफी वेज होता है, लीफी वेज होता है, ठीक है। इस सब से हमको क्या मिलता है, विटामिन ए मिलता है, ठीक है। इसका डिफिशियंसी डिजीज क्या है, इसकी कमी की वजह से क्या होता है, डिफिशियंसी डिजीज। और ये गाजर में भी पाया जाता है, ठीक है, कैरोट, गाजर में भी ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, यानी कि डिफिशिएंसी डिजीज का मतलब ये होता है कि इसकी कमी की वजह से हमको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है, इसकी वजह से हमको आंख से रिलेटेड बीमारी बहुत ज्यादा होता है, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, आई रिलेटेड प्रॉब्लम, आँख से रिलेटेड हमको काफ़ी सारी बीमारियाँ हो सकती हैं, ठीक है। जैसे कि रतौंधी होता है, ठीक है, रतौंधी, ये किसकी वजह से होता है, ये होता है रेटिनॉल की वजह से, ठीक है। ज़्यादातर अगर किसी को क्या होता है तो लॉन्ग टाइम तक अगर जो है सो कोई भी चीज़ जो है सो
हमारी आंख क्या करती है, देखिए हमारे आंख के अंदर में पाया जाता है रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनल पाया जाता है। ये रेटिनल क्या करता है, ये लाइट के सेंसिटिविटी को क्या करता है, तो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, ठीक है। और अगर हमारे बॉडी में जो है सो अगर नहीं पाया जाएगा, रेटिनल नहीं पाया जाएगा, तो क्या होगा, लाइट के सेंसिटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। अगर वो लाइट की सेंसिटिविटी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा तो हमारा आँख क्या करेगा, उस चीज़ को नहीं देख पाएगा, ठीक है। इसीलिए हमारे आई रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए बहुत ही ज़्यादा ये रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अगर आई से रिलेटेड कोई भी समस्या हो तो किसका यूज करना चाहिए, विटामिन ए का यूज करना चाहिए आदमी को, ठीक है। विटामिन ए का सोर्स का यूज करना चाहिए। विटामिन की कोई जनरली ये सब जो टैबलेटें होती है, ठीक है, ये भी मार्केट में अवेलेबल होती है, लेकिन हमको मोस्ट प्रीफर क्या करना चाहिए, हमको उसके सोर्स का प्रीफर करना चाहिए, ठीक है, कि हमको ये चीज़ किससे मिलता है, ताकि क्या होता है कि इससे हमको और भी कई चीज़ों की प्राप्ति होती है उस पर्टिकुलर विटामिन के साथ साथ, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन बी। विटामिन बी वन, विटामिन बी वन, विटामिन बी वन क्या है, विटामिन बी वन का जो केमिकल नाम है वो क्या है, थियामिन। विटामिन बी वन का केमिकल नाम क्या है, केमिकल नेम क्या है, थियामिन। इसका केमिकल नाम क्या है, थियामिन है, ठीक है। अब इसका जो सोर्स है वो क्या क्या है, ठीक है, इसको लिखेंगे। गेहूं हो गया, वीट हो गया, ठीक है, या और भी जितने भी तरह के ग्रेन्स होते हैं, ठीक है, पीनट हो गया, ये सब क्या हो गया, इसका सोर्स हो गया, पीनट, ये सब इसका सोर्स हो गया। अब ये ईस्ट और बीन्स सबसे भी मिलता है, ठीक है, ईस्ट, ईस्ट हो गया, बीन्स हो गया, इस सब से भी ये काफ़ी ज़्यादा मात्रा में हमको मिलता है। अब इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, इसकी वजह से हमको होता क्या है, इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बेरी बेरी। डेफिशिएंसी डिजीज, डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज क्या होता है, इससे बेरी बेरी, बेरी बेरी, इससे क्या होता है, बेरी बेरी होता है। बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, बेरी बेरी का मतलब क्या होता है, जैसे कि आदमी को क्या होगा, भूख कम लगेगा, ठीक है, लीवर डिसऑर्डर हो सकता है, कार्डियक एट्रोफी हो सकता है, ठीक है, एक और लिख लीजिए, कार्डियक एट्रोफी, यानी कि उसको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, ठीक है, उसको हार्ट से भी रिलेटेड समस्या हो सकती है। उसके बाद इसमें इस कंडीशन में क्या होगा कि किसी भी पेशेंट को क्या होगा, जब किसी को विटामिन बी वन की कमी होगी और उसको बेरी बेरी का बीमारी होगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो पेशेंट अपने आप को थका थका सा फील करेगा, अपने आप को कमज़ोर फील करेगा, ठीक है, और उसको भूख कम ही कम लगेगी, ठीक है। और जाहिर सी बात है, अगर भूख कम लगेगी तो उसका मेटाबॉलिज्म क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब होगा तो क्या हो जाएगा, उसको कई सारी बीमारियां होने की चांसेस रहती हैं, ठीक है। तो हमको ध्यान रखना है, जो विटामिन बी वन है उसका केमिकल नाम क्या है, थियामिन है, ठीक है, और इसकी कमी की वजह से क्या होता है, हमको बेरी बेरी नाम का एक डिसऑर्डर होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है, हमारा जो मसल होता है हमेशा हम थका थका फील करते हैं, कोई भी काम उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाते हैं, और हम हमारी जो मेमोरी की कैपेसिटी होती है वो भी थोड़ी थोड़ी कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है, इसको नोट करें। अगला है हमारा विटामिन बी टू, विटामिन बी टू,
विटामिन बी टू, इसका केमिकल नाम क्या है? राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन, इसका जो केमिकल नाम है वो क्या है? राइबोफ्लेविन। और इसका सोर्स कहाँ, ये कहाँ कहाँ से मिलता है? ठीक है, ये मिलता है जैसे ईस्ट से मिलता है, लीवर से मिलता है, ठीक है, वेज से मिलता है, सब्जियाँ से मिलता है, ठीक है, चीज़ से मिलता है, और ETC, कई तरह के चीज़ों से ये प्राप्त होता है हमको, ठीक है। अब इसका क्या है डिफिशेंसी डिसऑर्डर, क्या होता है डिफिशेंसी डिसऑर्डर? होता है इसका चिलियोसिस, 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 ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, एक डिसऑर्डर होता है जिसको क्या बोलते हैं, चिलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, चिलियोसिस बीमारी में क्या होता है कि कभी कभी क्या होता है, कभी देखिएगा कि कभी ऐसे होठ के पास ये ऐसे किनारे में जो है सो फटना शुरू हो जाता है, ठीक है। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, चिलियोसिस बोलते हैं, ठीक है। पेशेंट को क्या होगा, होठ सब सूझा सूझा लगेगा, आँख सब इसका क्या लगेगा, थोड़ा सा फूला फूला सा लगेगा, ठीक है। ये किसके लक्षण है, ये किसके सिम्टम है, ये चिलियोसिस के लक्षण है, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, पेशेंट को ऐसे होठ के नीचे के इस परत से क्या होता है, थोड़ा सा कट लगना शुरू हो जाता है, इस बीमारी को क्या बोलते हैं, चिलियोसिस। और ये किसकी कमी से होता है, विटामिन बी टू राइबोफ्लेविन की वजह से होता है, ठीक है। गांव में एक अलग अवधारणा है मानी जाती है इसको कि घास करके खास करके ये जो, क्योंकि ये बीमारी कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है दोनों तरफ से, तो इसको घोड़ा लगाम के नाम से इस बीमारी को जाना जाता है, ठीक है। लेकिन ये बीमारी क्या होता है, असली में इस बीमारी को क्या बोलते हैं, चिलियोसिस बोलते हैं। और इसका इलाज क्या है, विटामिन बी टू, विटामिन बी टू की कमी से क्या होता है, ये बीमारी होता है, ठीक है। अगर सही मात्रा में हम डाइट लेते हैं, बैलेंस डाइट लेते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है, हमको ये बीमारी नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद ये जनरली जो है सो हमारे आई को भी इन्फ्लेम करती है, हमारा आँख भी क्या होता है इस बीमारी में फूला फूला सा लगता रहता है। अगला जो हमारा विटामिन है वो है विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री, विटामिन बी थ्री। और इसका केमिकल नाम क्या है, नियासिन, इसका केमिकल नाम क्या है, नियासिन, ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, नियासिन। और ये जनरली हमको प्राप्त कहाँ से होता है, ईस्ट ग्राम पीनट एडिसिन, ठीक है। और इसके कमी से, विटामिन बी थ्री की कमी से हमको पैलेग्रा होता है, क्या होता है, पैलेग्रा होता है, ठीक है। और इस पैलेग्रा को हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है, 4D या 3D सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम, 4D सिंड्रोम क्या होता है, पहला ये चार गो डी होगा, डी से डायरिया, इस बीमारी की वजह से डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस, डर्मेटाइटिस, ठीक है, और डेथ, डेथ भी एक तरह का बीमारी ही है, इंसान की जान चली जाती है, ठीक है। जो विटामिन बी थ्री है इसकी वजह से क्या होता है, हमको पैलेग्रा होता है, जिसको हम 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। 4D सिंड्रोम में जैसे डायरिया हो गया, डिमेंशिया हो गया, डर्मेटाइटिस। डायरिया क्या होता है, डायरिया होता है किसी को अगर मान के चलिए इरेगुलर मूवमेंट होना, बोवेल मूवमेंट शुरू हो जाए, उसको क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं, ठीक है, जिसको लूज मोशन भी कहा जाता है। उसके बाद दूसरा है डिमेंशिया। डिमेंशिया किसे कहते हैं, डिमेंशिया एक ऐसी बीमारी होता है जिसमें इंसान क्या करता है, अपना मेमोरी खो जाता है। सीधा शब्द में कहा जाए तो डिमेंशिया भूलने की बीमारी को क्या बोलते हैं, हम डिमेंशिया बोलते हैं। इस बीमारी में क्या होता है, तो इंसान अपनी पुरानी पुरानी चीज़ें बहुत सारी खोने लगता है, भूलने लगता है, ठीक है।
किसकी कमी से होता है? विटामिन बी थ्री के कमी से। उसके बाद होता है डर्मेटाइटिस। डर्मेटाइटिस क्या होता है? डर्मेटाइटिस का मतलब ये होता है कि अब किसी को स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे फेस पे पिंपल्स आता है, स्किन सूखा सूखा सा फील होता है, यानी कि स्किन से रिलेटेड जितना भी बीमारी है उसको क्या बोलते हैं हम? डर्मेटाइटिस। और डेथ, डेथ का मतलब वो मर गया। ठीक है, तो ये क्या है? 4D सिंड्रोम है। ठीक है, ये चारों के चारों बीमारी समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये डेथ तो वैसे बीमारी नहीं है, इसको 4D सिंड्रोम कहा जाता है। ये एक लक्षण है पैलेग्रा का, ये एक लक्षण है कि उसको क्या होगा? डायरिया होगा, डायरिया होगा, डिमेंशिया होगा, डर्मेटाइटिस होगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा? मर जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ये तीनों बीमारी में कन्फ्यूज नहीं होना है। डायरिया लूज मोशन होता है जो सब जानते हैं। डिमेंशिया, डिमेंशिया को हम भूलने की बीमारी बोलते हैं, लिख लेंगे इसको ब्रैकेट में, लॉस ऑफ मेमोरी। और जो हमारा डर्मेटाइटिस होता है इसको बोलते हैं स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम। इसकी वजह से क्या होता है हमको? स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम 4D सिंड्रोम बोलते हैं। अगला, अगर किसी पेशेंट को अगर डायरिया हो जाता है तो डॉक्टरों के द्वारा क्या किया जाता है? उसको सलाइन में विटामिन B5 का इंजेक्शन लगाया, सॉरी विटामिन B3 का इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, जिसको नियासिन कहते हैं। ठीक है, नियासिन का इंजेक्शन लगाने से क्या होता है? उसको विटामिन B3 की पूर्ति हो जाती है शरीर में, तो फिर उसको डायरिया रुक जाता है तत्काल के लिए। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन B5। अगला हमारा B4 विटामिन नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए हम डायरेक्ट B5 लिखेंगे। B5 का जो केमिकल नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड। जो विटामिन B5 है इसका केमिकल नाम क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। ठीक है, और ये जनरली हमको कहाँ से प्राप्त होता है? ये हमको प्राप्त होता है लीवर से, ईस्ट से, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम कहाँ से प्राप्त होता है? मैक्सिमम प्राप्त होता है हमको वीट से, गेहूँ से। ठीक है, ये जो विटामिन B5 है ये हमको सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है? वीट से। ठीक है, और हनी से, वीट और हनी से, हनी शहद से। ठीक है, ये सब चीज़ें हमको प्राप्त होती है। अब जनरली इसकी वजह से होता क्या है हमको? नौजिया एंड वोमिटिंग होता है, नौजिया एंड वोमिटिंग। नौजिया का मतलब क्या होता है? नौजिया का मतलब होता है चक्कर आना। ठीक है, नौजिया का मतलब होता है चक्कर आना, और वोमिटिंग का मतलब होता है उल्टी आना। ठीक है, जनरली क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, किसी पेशेंट को अगर विटामिन B5 की कमी हो जाती है, पेंटोथेनिक एसिड की अगर कमी हो जाती है, तो उस कंडीशन में क्या होता है पेशेंट को? बार बार ऐसे दिमाग में चक्कर आएगा, उसको वोमिटिंग जैसा फील होगा, और ना उसको गैस रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, क्योंकि अगर किसी को वोमिटिंग आ रहा है, उल्टी आ रहा है, तो डॉक्टरों का यही अनुमान होता है कि उसको हो सकता है पेट में गैस बन गया होगा, इसी वजह से उसको क्या आ रहा है? वोमिटिंग आ रहा है। लेकिन उसको इस तरह की भी समस्याएं नहीं पाई जाती है। ठीक है, उसको इस तरह की भी समस्याएं नहीं पाई जाती है। डॉक्टर क्या करते हैं, उसको वोमिटिंग की दवा देते हैं, वोमिटिंग रुक जाता है, फिर से वोमिटिंग होना शुरू हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? विटामिन B5 की वजह से होता है। उसके शरीर में क्या हुआ? विटामिन B5 की कमी हो गई, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये नौजिया और वोमिटिंग उसको कंटिन्यू आ रहा है। ठीक है, इसको ये दो तरह की बीमारियां होती हैं। उसके बाद अगला है हमारा विटामिन B6।
पेंटोथेनिक एसिड है तो इसमें बर्निंग फिट सिंड्रोम आएगा, ठीक है। पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है, पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड विटामिन B9 को बोलते हैं, ठीक है ना, विटामिन B6 को बोलते हैं, ठीक है। विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, हमको नौजिया और वोमिटिंग आती है, ठीक है। इसमें क्या होगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम होगा, बर्निंग फिट सिंड्रोम। बर्निंग फिट सिंड्रोम क्या होता है, बर्निंग फिट सिंड्रोम में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है, तो अगर कोई आदमी ऐसे पैदल चलता है उसको क्या होता है, पैर के निचले हिस्से में जलन टाइप का होने लगता है, ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, बर्निंग फिट सिंड्रोम, ठीक है। ज़्यादातर ये थायराइड वायराइड की वजह से भी होता है, अगर किसी पेशेंट को थायराइड बढ़ गया ऐसे सर में जलन सब होने लगता है उसको, ठीक है, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन जो विटामिन B5 है इसकी वजह से, इसका केमिकल नाम क्या है, पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। इसका सोर्स क्या है, लीवर हो गया, ईस्ट हो गया, और सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त होता है, वीट से और हनी से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसका डेफिशिएंसी डिजीज क्या है, बर्निंग फिट सिंड्रोम, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे पैरों में जलन होता है। अगला है हमारा विटामिन B6, जिसको पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड कहा जाता है, विटामिन B6। इसको क्या कहते हैं, पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, पायरीडॉक्सिन ही कहा जाता है, जो दवा आता है वो पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड के नाम से आता है, ठीक है। विटामिन B6 का केमिकल नाम क्या है, पायरीडॉक्सिन, ठीक है। इसका सोर्स कहाँ है, ये कहाँ से हमको ज़्यादातर प्राप्त होता है, ये हमको प्राप्त होता है जनरली लीवर से, ये भी जितना भी विटामिन बी है, बी कॉम्प्लेक्स हमको लीवर से ही प्राप्त होता है, सब में लीवर आएगा, लीवर हो गया, ग्रीन वेज हो गया, बनाना हो गया, ऑरेंज हो गया, एटीसी, कई तरह के चीज़ों से हमको प्राप्त होता है, ठीक है। और विटामिन B6 की कमी से क्या होता है, हमको ये नौजिया और वोमिटिंग होता है, ठीक है, नौजिया एंड वोमिटिंग होता है। विटामिन B6 की कमी की वजह से हमको नौजिया और वोमिटिंग होता है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, पायरीडॉक्सिन होता है, ठीक है। अगर किसी भी पेशेंट को अगर उल्टी बार बार आए जा रहा है, अगर मान के चलिए कोई पेशेंट प्रेग्नेंट कंडीशन में, ठीक है, अगर वो पेशेंट प्रेग्नेंट कंडीशन में उसको बार बार उल्टी आ रहा है, उसको पेट में गैस भी नहीं बन रहा है फिर भी उसको अगर उल्टी आ रहा है, इसका मतलब उसको किस चीज़ की कमी है, उसको कमी है विटामिन B6 की, पायरीडॉक्सिन की कमी है, ठीक है। और उसको जो मेडिसिन जनरली दिया जाता है उसको विटामिन B6 डेरिवेटिव टैबलेट दिया जाता है, जस्ट लाइक पायरीडॉक्सिन हाइड्रोक्लोराइड, ठीक है। तो अगला है हमारा विटामिन B9, जिसको फॉलिक एसिड कहते हैं। विटामिन B9 इसका केमिकल नाम है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड का टैबलेट भी आता है, सभी बच्चे अच्छे से जानते होंगे फॉलिक एसिड क्या होता है। ये भी हमको कहाँ से प्राप्त होता है, ये भी जनरली हमको प्राप्त होता है उसी चीज़, जो लीवर हो गया, ग्रीन वेज हो गया, ठीक है, बनाना, ये भी हमको बनाना से प्राप्त होता है, बनाना हो गया, ETC, कई सारे चीज़ों से ये प्राप्त होता है हमको, ठीक है। अब जो फॉलिक एसिड है इसकी वजह से क्या होता है, हमको परनीसियस एनीमिया होता है, ठीक है। इसकी वजह से क्या होता है, परनीसियस एनीमिया। अब परनीसियस एनीमिया क्या है, परनीसियस एनीमिया इसको एक और नाम है परनीसियस एनीमिया को, इसको बोलते हैं मेगा ब्लास्टिक एनीमिया।
इसको मेगाब्लास्टिक एनीमिया भी कहा जाता है। अब ये मेगाब्लास्टिक एनीमिया है क्या, ठीक है? इसमें क्या होता है, जनरली जो आरबीसी होता है हमारा, ठीक है, वो मैच्योर नहीं होता है। जो हमारा आरबीसी होता है वो जनरली क्या होता है, मैच्योर नहीं होता है, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, परनीसियस एनीमिया बोलते हैं, ठीक है, परनीसियस एनीमिया, फिर माइक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है, परनीसियस एनीमिया, विटामिन बी नाइन, परनीसियस एनीमिया, माइक्रोसाइटिक एनीमिया, दो तरह का एनीमिया होता है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक, ठीक है, माइक्रोसाइटिक और मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया और मैक्रोसाइटिक एनीमिया, ठीक है। तो जो हमारा विटामिन बी नाइन है, इसका केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड, और ये इसकी डिफिशेंसी से हमको क्या होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। अब ये माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता क्या है, ठीक है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है कि हमारा जो आरबीसी है, ठीक है ना, वो सही से मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है, हमारे जो आरबीसी है वो सही से मैच्योर नहीं हो पाता है। उसके अंदर में क्या होता है, तो हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाती है, जिसके वजह से क्या होता है, तो इंसान अपने आप को थकावट फील करता है, उसके बॉडी में क्या होता है, तो खून की कमी हो जाती है, ठीक है। अगर खून की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, हमारे बॉडी में जो है मतलब ऑक्सीजन को कौन कैरी करता है, हीमोग्लोबिन करता है, लेकिन अगर आरबीसी के अंदर में हीमोग्लोबिन की अगर कमी हो जाएगी, ऑक्सीजन को कैरी सही सफिशेंट मात्रा में हमारे बॉडी सेल्स तक नहीं जा पाएगा, और अगर सही मात्रा में सफिशेंट रूप से अगर हमारे बॉडी सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं जाएगा, तो हमारा जो वो सेल्स है वो सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा, और वो क्या करेगा, अपने आप को फटीग फील करेगा, थकावट फील करेगा। कभी आपने देखा होगा कि जब आदमी रनिंग करता है, जब आदमी दौड़ता है, तो क्या होता है, वो तेजी तेजी से सांस लेता है। क्यों तेजी से सांस लेता है, इसका रीजन ये है कि अगर वो तेजी से सांस नहीं लेगा तो जल्दी जल्दी उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, अगर जल्दी जल्दी उसके बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगा, उसके बॉडी को वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी, ठीक है। यही रीजन है कि आदमी जब दौड़ता है या कोई हार्ड वर्क करता है तो जल्दी जल्दी सांस लेता है, यानी कि वो हांफने लगता है, क्योंकि उसका बॉडी जब बहुत फास्ट में काम करता है, एफिशिएंटली वर्क करता है, उसके बॉडी को सबसे ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। और अगर कोई भी आदमी अगर मान के चले अपने आप को थकावट फील करता है, कोई भी काम करने में ऐसे असहज फील करता है, इसका मतलब क्या है, उसके शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी है, उसको थकावट आ रही है कोई भी काम करने में, ठीक है। इसका मेन रीजन क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी हुई, ठीक है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, जो खून का जो लाल रंग होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन कम हुआ, ऑक्सीजन की कैरिंग कैपेसिटी कम हो गई, ऑक्सीजन जैसे ही कम पहुंचना शुरू हुआ तो उसकी वजह से क्या होता है, तो शरीर में थकावट फील होता है, और बॉडी का जो सेल्स होता है वो सही से एटीपी नहीं बना पाता है, ठीक है, क्योंकि एटीपी जो होता है वो एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ही बनता है ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। अगला है हमारा विटामिन B12, जिसको बोलते हैं साइनोकोबालामिन। ध्यान रखना, इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बाद बाकी हम भी कंफ्यूज कर गए थे। जो विटामिन B9 है, इसको फॉलिक एसिड बोलते हैं, और इसकी वजह से माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है। और जो विटामिन B12 होता है, जिसको साइनोकोबालामिन बोलते हैं, उसकी वजह से परनीसियस एनीमिया होता है। तो इस चीज़ों में ज़्यादातर बच्चों को और टीचरों को भी कन्फ्यूजन होता है, ठीक है ना, इसको ध्यान में रखना। विटामिन B9 को केमिकल नाम क्या है, फॉलिक एसिड, और इसकी वजह से बीमारी कौन सा होता है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया होता है, ठीक है। और जो विटामिन B12 है, इसका केमिकल नाम क्या है, साइनोकोबालामिन, ठीक है, साइनोकोबालामिन, ठीक है। तो इस सब चीज़ में क्या होता है, तो थोड़ा बहुत ही विटामिन का कुछ कुछ ही ऐसा चीज़ है, क्योंकि दोनों की वजह से क्या होता है, तो एनीमिया ही होता है, दोनों की वजह से क्या होता है, एनीमिया ही होता है, और इसकी वजह से हमको याद रखने में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है। और ये हमको प्राप्त कहाँ से होता है, ये जनरली प्राप्त होता है लीवर से, ये भी लीवर से, विटामिन बी जितना भी है लीवर से प्राप्त होगा, एंड अंडे से, एग्स, ठीक है।
ये वहाँ से हमको प्राप्त होता है। और इसकी वजह से हमको क्या होता है, इसकी कमी की वजह से परनीशियस एनीमिया, परनीशियस एनीमिया। अब परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, एनीमिया हमने बता दिया कि एनीमिया होता क्या है, ठीक है। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है कि जो आरबीसी होता है हमारा वो मैच्योर नहीं हो पाता है, ठीक है। जो आरबीसी होता है वो मैच्योर नहीं हो पाता, और अगर आरबीसी मैच्योर नहीं हो पाया तो क्या होगा, फिर से उसके अंदर में हीमोग्लोबिन की कमी पाई जाएगी, ठीक है। इसका फंक्शन जनरली होता है, जनरली ये क्या करता है, एक न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस करता है, जिसकी कमी से क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड का सिंथेसिस कम हो जाता है, और उसकी वजह से हमको क्या हो जाता है, परनीशियस एनीमिया हो जाता है, ठीक है। इस समय ज़्यादा कुछ बताने वाला है नहीं। अगला है हमारा विटामिन सी, जिसको क्या बोलते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन सी। विटामिन सी, ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका सोर्स क्या है, जितना भी खट्टा फल है, ठीक है, साइट्रस फ्रूट, साइट्रस फ्रूट, ठीक है, आंवला, खट्टा चीज जो भी है, टोमेटो इटीसी। इसका डिफिशेंसी डिजीज क्या होता है, इसकी वजह से, विटामिन सी की वजह से क्या होता है हमको, एस्कर्वी होता है, ठीक है, एस्कर्वी, एस्कर्वी की एस्कर्वी होता है, एस्कर्वी होता है, ठीक है। इसकी कमी की वजह से क्या होता है, एस्कर्वी होता है, ठीक है। इसका केमिकल नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड है, इसको ध्यान में रखना है। अब इसकी वजह से क्या होता है, जनरली हमको एस्कर्वी होता है, एनीमिया भी होता है, और ज्वाइंट पेन भी होता है, एनीमिया और ज्वाइंट पेन। तो ज्वाइंट पेन और एनीमिया तो मैंने बता दिया आपको। ज्वाइंट पेन में देखिए, जोरों में जो दर्द होगा घुटनों में और पूरे शरीर में, इसको क्या बोलते हैं, ज्वाइंट पेन बोलते हैं, जो विटामिन सी की कमी की वजह से भी होता है, ठीक है। और भी कई सारा रीजन है ज्वाइंट पेन होने का, विटामिन डी की कमी से भी ज्वाइंट पेन हो सकता है, कैल्शियम की कमी से भी, ठीक है, और विटामिन सी की वजह से भी हो सकता है ये, ठीक है। एस्कर्वी क्या होता है, एस्कर्वी का मतलब होता है कि किसी किसी को देखिएगा कि दांत में से ऐसे खून आने लगता है, गम्स में से, ठीक है, जो दांत का मसूरा है उसमें से खून आने लगता है, ये किसकी वजह से होता है, इसी को बोलते हैं एस्कर्वी बोलते हैं, ठीक है, इसी को एस्कर्वी कहा जाता है, और जो किसकी वजह से होता है, विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। अगला है हमारा विटामिन डी, जिसको क्या, एस्कर्वी को लिख लेंगे, अगर समझ में नहीं आएगा तो ब्रैकेट में लिख लीजिए, ब्लीडिंग गम्स, ब्लीडिंग गम्स। अगला है हमारा विटामिन डी, अगला हमारा विटामिन डी है, अगला हमारा विटामिन डी है, जिसको कैल्सीफेरोल कहते हैं, केमिकल नाम है इसका कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल है। इसका सोर्स क्या है, इसका भी सोर्स वही है जो जनरली हम विटामिन बी में पढ़ते थे, जैसे कि फिश ऑयल हो गया, फिश ऑयल हो गया, ठीक है, लीवर हो गया, उसके बाद एग हो गया, उसके बाद जैसे मिल्क हो गया, ठीक है। जो विटामिन बी 12 होता है, साइनोकोबालमिन में एक लिख लीजिएगा, जो विटामिन बी 12 होता है वो दही में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ठीक है ना। तो कभी भी अगर कोई प्रीफर बोले कि हमको दूध ज़्यादा खाना चाहिए कि दही ज़्यादा खाना चाहिए, तो दही ज़्यादा खाना चाहिए, क्योंकि दही में क्या होता है, विटामिन बी 12 पाया जाता है, ठीक है। फिश ऑयल हो गया, लीवर एग हो गया, और मिल्क हो गया, ये क्या है, इसका सोर्स है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों में रिकेट्स होता है, रिकेट्स, ये किस में होता है, चिल्ड्रन में, चिल्ड्रन में।
और ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया, ये सब सारा का सारा बीमारी है, ठीक है ना। ये किस में होता है? एडल्ट में। अगर कोई बच्चा छोटा है, ठीक है, तो उसको क्या होगा? रिकेट्स बीमारी होगी। और अगर कोई बच्चा, या बच्चा नहीं बोल सकते, कोई एडल्ट है जो बूढ़ा है, अगर उसके अंदर में अगर कैल्शियम की कमी होगी, तो उसको क्या होगा? ऑस्टियो मलेशिया नाम का बीमारी होगा, ठीक है। जो रिकेट्स में देखिए होता क्या है कि हमारा जो मसल और बोन होता है वो क्या हो जाता है? कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। इस भी कैल्शियम की कमी की वजह से क्या होता है? हमारा मसल और बोन क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, ठीक। ऑस्टियो मलेशिया भी वही सेम चीज़ है, बस बीमारी दोनों का दोनों अलग हो गया है। ऑस्टियो मलेशिया, ऑस्टियो मलेशिया और ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है, ये सब कैल्शियम की कमी की वजह से होता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक हार्मोन की वजह से भी होता है, जब आदमी का एज बढ़ जाता है, खास करके अगर कोई फीमेल देखिएगा कि 30-40 साल के बाद क्या होता है, उसको कमर पेन, कमर में दर्द, पूरे बॉडी में दर्द होना शुरू होता है। उसका रीज़न ये है कि कुछ, जब उसका 30-40 साल हो जाता है, उसका जब MC बंद हो जाता है, मेंस्ट्रुएशन बंद हो जाता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन बनना बंद हो जाता है, ठीक है, और उसी की कमी से क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस होता है, वो अलग चीज़ हो गया। लेकिन विटामिन डी की वजह से भी ये सब बीमारी हो सकता है। उसके क्या होता है ऑस्टियो मलेशिया में, जो अगर शरीर के अंदर में जो है सो अगर कैल्शियम की कमी होगी, तो हमारा ब्लड को तो कैल्शियम की भरपूर मात्रा में ज़रूरत है, वो क्या करेगा, तो बोन का रिजॉर्प्शन करने लगेगा और बोन में से कैल्शियम निकाल निकाल के अपना यूज करने लगेगा। इसकी वजह से क्या होगा, क्या हो जाएगा, बोन और मसल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, बोन एंड मसल वीक हो जाएगा, ठीक है, बोन एंड मसल क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, कमज़ोर पड़ जाएगा। अगला है हमारा विटामिन ई। विटामिन ई जिसको टोकोफेरोल कहते हैं, टोकोफेरोल कहते हैं, विटामिन ई का केमिकल नाम क्या है, टोकोफेरोल है, ठीक है। और ये हमको जनरली प्राप्त कहाँ से होता है, ये भी हमको प्राप्त होता है ग्रीन सब्जी, हरी सब्जी सबसे, सोर्स इसका क्या है, लीफी वेज, ठीक है, सेरल्स हो गया, पल्सेस हो गया, दाल हो गया, इस सब से क्या मिलता है हमको, विटामिन ई की प्राप्ति होती है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी भी होता है, ठीक है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। इसकी डिफिशेंसी की वजह से क्या होता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया होता है और मस्कुलर डिस्ट्रॉफी होना शुरू हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों हो जाता है। मैक्रोसाइटिक एनीमिया का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, यानी कि RBC बहुत ही ज़्यादा मात्रा में क्या हो जाता है, टूटना शुरू कर जाता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBCs, ठीक है। देखिए डिस्ट्रक्शन जो ऑफ RBC, जब RBC का बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, एक और कंडीशन होता है जिसको जॉन्डिस को बोलते हैं। जॉन्डिस का जब बीमारी होता है किसी भी आदमी को, तो जॉन्डिस में भी RBC का डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है, ठीक है। होता क्या है, हीमोग्लोबिन दो तरह का होता है, सॉरी दो चीज़ें पाई जाती हैं हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन दिख रहा है, थोड़ा और नीचे लिखेंगे, हीमोग्लोबिन। जो देखिए हीमोग्लोबिन में क्या होता है, दो टर्म पाया जाता है, एक होता है हीम, हीम, और दूसरा पार्ट क्या होता है, ग्लोबिन। ग्लोबिन क्या होता है, एक प्रोटीन होता है, क्या होता है,
प्रोटीन होता है, और ये क्या होता है पिगमेंट में चेंज होता है, जिसको बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन कहा जाता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी में जब क्या होता है जॉन्डिस का बीमारी होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है और हीमोग्लोबिन हमारा टूटना शुरू हो जाता है। ठीक है, और हमारा हीमोग्लोबिन अगर टूटना शुरू हो गया, ग्लोबिन तो प्रोटीन बन गया, ठीक है, ग्लोबिन प्रोटीन बन गया, प्रोटीन से फिर ग्लूकोज बन के यूज हो जाएगा हमारे शरीर में, लेकिन जो हीम है वो क्या होता है डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, और ब्लड में जाने के बाद क्या होता है इसका बिलीरुबिन बिलीवर्डिन का कलर क्या होता है येलो कलर का होता है, इसी को पीलिया बीमारी कहते हैं। ठीक है, हमारा हाथ पैर पूरा पीला पड़ जाएगा, आँख पीला पड़ जाएगा जॉन्डिस की बीमारी में। ठीक है, और ये किसकी वजह से होता है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन की वजह से। तो जॉन्डिस की वजह से भी हमारा क्या हो सकता है एनीमिया हो सकता है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो सकता है। उसके बाद है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का मतलब ये होता है कि हमारी बॉडी से क्या होता है तो धीरे धीरे मसल डिजेनरेट करना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर क्रैम्प आएगा, बहुत ही ज़्यादा पेन होगा बॉडी में, उसको क्या बोलते हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बोलते हैं। उसके बाद जो विटामिन ई होता है इसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है, जो विटामिन ई होता है उसको ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। ब्यूटी विटामिन इसलिए कहा जाता है कि इसकी वजह से क्या होता है ज़्यादातर ये पिंपल्स उम्पल्स या स्किन से रिलेटेड, जो फेस से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होता है विटामिन ई दूर कर देता है। किसी भी अगर फीमेल को एमसी मेंसुरेशन अगर इरेगुलर होता रहता है, यानी कि टाइम पे नहीं होता है, यानी कि 2 दिन 4 दिन 10 दिन लेट होता है या पहले हो जाता है, तो इस सब बीमारी को भी कौन ठीक करता है विटामिन ई ठीक करता है। इसको इनफर्टिलिटी विटामिन भी कहा जाता है, ज़्यादातर फीमेल्स इसका यूज करती है एज ए टैबलेट के फॉर्म में। ठीक है, लड़के जनरली इसका यूज कम करते हैं। ठीक है, अगला है हमारा विटामिन के। विटामिन के और इसका केमिकल नाम क्या है फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। ठीक है, इसका केमिकल नाम क्या है फाइलोक्विनोन, और ये जनरली हमको मिलता कहाँ से है, ये भी हमको मिलता है साग सब्जी से ही लीफी वेजिटेबल, लीफी वेजिटेबल। ठीक है, और जनरली ये सोयाबीन से भी मिलता है। ठीक है, सोयाबीन से भी मिलता है। ठीक है, और ख़ास करके लड़कियों को सोयाबीन का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है कभी कभी जनरली जो सोयाबीन होता है वो एक एस्ट्रोजन प्रोड्यूसर भी होता है। ठीक है, और सोयाबीन ज़्यादा प्रयोग करने की वजह से क्या होता है उसके बॉडी में जो है मतलब फाइलोक्विनोन की कमी पूरी होती है, और उसको जब मेंस्ट्रुएशन सब होता है तो उसका जो ब्लड होता है ब्लड का जो लॉस होता है वो बहुत ही कम होता है। ठीक है, किसकी वजह से सोयाबीन का विटामिन के की वजह से, फाइलोक्विनोन की वजह से। ठीक है, इसलिए उनको ज़्यादा सोयाबीन का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसकी वजह से डिफिशेंसी डिजीज क्या होता है। ठीक है, इसका डिफिशेंसी डिजीज क्या होगा सेवियर ब्लीडिंग, सेवर ब्लीडिंग। देखिए, जो हमारा विटामिन के है ये क्या करता है थक्का बनाने में हमारा हेल्प करता है, जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन होता है उसको थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करने का काम करता है, ये एक इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करने का भी काम करता है, जिसको कास्काडाइ प्रोसेस में ये क्या होता है इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और अगला इसमें क्या है कि जहाँ पर मान के चलिए अगर कट लग जाता है कोई कट, अगर मान के चलिए ये हमारा बॉडी का पार्ट्स है यहाँ पे क्या हो गया कट लग गया, यहाँ से क्या होगा कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, कंटिन्यू ब्लीडिंग होता रहेगा, कब जब विटामिन के की कमी होगी। ठीक है, फिर डॉक्टर क्या करता है उसको विटामिन के का इंजेक्शन लगाता है, तो फिर ये ब्लड क्या हो जाता है रुक जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए जो विटामिन के होता है इसकी कमी से क्या होती है सीवियर ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग अगर एक बार शुरू हो गया तो जल्दी रुकता ही नहीं रहता है। ठीक है, तो इसलिए अगर डॉक्टर क्या होता है कि कभी कभी अगर किसी पेशेंट का ऑपरेशन होना रहा या कई सारी चीज़ें होनी रही, तो उससे पहले क्या करता है उस पेशेंट को वो विटामिन के लेवल सारा का सारा चीज़ चेक कर लेता है। ठीक है, इस पेशेंट को फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बीमारी भी होता है जिसको हीमोफीलिया बोलते हैं, उस कंडीशन में भी क्या होता है हीमोफीलिया, या एक और होता है जिसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग रुकता नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ वाले पेशेंट को जिसको ये सब चीज़ की बीमारी रहती है सीवियर ब्लीडिंग वाले सब की, उस सब का ऑपरेशन डॉक्टर जल्दी नहीं करते रहते हैं। एक और विटामिन है लास्ट है जिसको बोलते हैं बायोटिन
विटामिन एच। वैसे विटामिन बी 17 भी होता है, जिसको एंटी कैंसर विटामिन भी बोलते हैं, ठीक है। इसकी कमी से इंसान के शरीर में कैंसर होता है, लेकिन ये सब हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है, तो हमको ये नहीं पढ़ना है, ठीक है। नहीं तो विटामिन तो बहुत सारा होता है, इसकी अगर डिटेल स्टडी करना है तो कॉलेज में फिर जाके करना होगा। विटामिन एच, जिसको क्या कहते हैं, केमिकल नाम क्या है इसका, बायोटीन। इसका केमिकल नाम क्या है, बायोटीन। विटामिन एच का केमिकल नाम क्या है, बायोटीन, या फिर इसको एंटी एविडिन भी कहते हैं। एंटी एविडिन भी कहते हैं। अब इसकी वजह से क्या, ये सबसे पहले बात है कि ये पाया कहाँ से जाता है, ठीक है। ये पाया जाता है हमको वेजिटेबल से, लीफी वेज, लीवर हो गया, ग्रेन्स हो गया, ईटीसी, बहुत सारा चीज़ है जिससे ये पाया जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से बीमारी कौन सा होता है, इसकी वजह से होता है डर्मेटाइटिस, एक बीमारी होता है। इससे पहले हमने अभी जो 4D सिंड्रोम में बताया है, डर्मेटाइटिस। जो डर्मोलॉजी डॉक्टर होते हैं उसका ये फेवरेट विटामिन होता है, ठीक है, क्योंकि जो डर्मोलॉजी के डॉक्टर होते हैं उसके लिए क्या होता है, उसका ये फेवरेट विटामिन होता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हेयर सब होता है उसका भी जो है, मतलब क्या होता है, हेयर सब उड़ने लगता है, किसकी वजह से, बायोटिन की वजह से, ठीक है। स्किन सब में जो है सो मतलब सूखापन आने लगता है, ठीक है, ऐसे झुर्री झुर्री सा टाइप का दिखने लगता है, किसकी वजह से, बायोटिन की वजह से। स्किन से रिलेटेड जो भी समस्या होती है उस बीमारी को क्या कहते हैं, डर्मेटाइटिस। डर्मे टर्म का मतलब ही क्या होता है, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं पे हम समाप्त करते हैं। इस लेक्चर में हमने विटामिन का सारा चीज कवर किया है, और सबसे जनरली एक रिक्वेस्ट है, बोला जाए, इस सारे के सारे को एक बार नोट्स ज़रूर बनाएं, और नोट्स बना के इसको आराम आराम से सुने, ठीक है। इससे क्या होगा, जनरली कुछ कुछ बातें अगर नहीं भी समझ में आती है तो एक से दो बार रिपीट करके देखने पे क्या होता है, वो समझ में आ जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है, थैंक यू। हमारा अगला जो डिसऑर्डर होने वाला है वो है पेन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, और ये भी न्यूट्रिएंट की कमी की वजह से ही होता है, ठीक है। इसीलिए हमने सोचा कि इसको विटामिन के साथ ही कवर करवा दिया जाए, ठीक है। तो जो पेम का फुल फॉर्म क्या होता है इसको लिखेंगे, इसका मतलब होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये क्या है, पेम। या प्रोटीन की कमी से भी हो सकता है और एनर्जी की भी कमी से हो सकता है, प्रोटीन की भी कमी से हो सकता है और एनर्जी की भी कमी से हो सकता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पेम बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। इसको लिखेंगे डाइटरी डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड टोटल फूड कैलोरी, ठीक है, इज कॉल्ड पेम, ठीक है। डिफिशेंसी होगा किस चीज़ का, डाइटरी डिफिशेंसी, अगर हमारे खाने में अगर दो चीज़ का कमी हो जाए, प्रोटीन का और टोटल फूड कैलोरी। फूड कैलोरी का मतलब क्या होता है, ग्लूकोज।
इसकी अगर कमी हो जाए हमारे खाने में तो हमको किस तरह की बीमारी होती है, इसको बोलते हैं पेम। ठीक है, अब जनरली जो ये पेम होता है ये भी दो तरह का होता है। कभी कभी क्या होता है तो खाने में किसी को क्या होता है तो प्रोटीन तो मिल जाता है लेकिन कैलोरी नहीं मिलता है। ठीक है, यानी कि उसको ग्लूकोज की कमी हो जाती है बॉडी में। अगर ग्लूकोज की कमी मिल भी जाती है उसको, ग्लूकोज पूरा हो भी जाता है उसको, किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो हमको अगर फूड में डाइटरी डेफिशिएंसी होगा, यानी अगर हमारे खाने में किस किस चीज़ की कमी होगी, प्रोटीन की और ग्लूकोज की, इस दो चीज़ की अगर हमारे खाने में कमी होगी, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी में जब हम खाना खाते हैं और हमारे खाने में दो चीज़ का, ऐसा तब होता है जब कभी कभी क्या होता है तो जैसे जो है मतलब न्यू बॉर्न बेबी है, ठीक है, जो बच्चे नए पैदा होते हैं, तो कुछ कुछ महिलाएं क्या करती है तो अपना ब्रेस्ट फीड उसको नहीं करवाती है, उसको क्या करती है तो किसी डिब्बे उब्बे का दूध ला के पिलाती है, गाय का दूध पिला देती है। ठीक है, इसकी वजह से क्या होता है तो जो जो मदर का जो मिल्क होता है, ठीक है ना, उसमें प्रोटीन ग्लूकोज और जितना भी न्यूट्रिशन है उसके साथ साथ में क्या होता है तो एंटीबॉडी भी पाया जाता है। ठीक है, वो एंटीबॉडी क्या करता है तो उस बच्चे के रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में उसके बॉडी में काम करता है। ठीक है, इसीलिए अगर कोई छोटा बच्चा न्यू बॉर्न बेबी होता है उसको उसको मदर का मिल्क फीड करवाना चाहिए, उसे उसकी माँ का दूध पिलाना चाहिए, ना कि उसको किसी डिब्बे उब्बे का या फिर किसी सिंथेटिक मिल्क फीड करवाना चाहिए। ठीक है, इससे क्या होता है तो उसकी इम्यूनिटी भी कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, अगर बच्चा अगर किसी दूसरे तरह का सिंथेटिक दूध पी रहा है या फिर वो गाय का दूध पी रहा है, यानी कि उसके माँ के दूध में क्या रहता है, एंटीबॉडी रहता है जो कि उसको क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता के रूप में उसके बॉडी में काम करता है, यानी कि रोगों से लड़ने की क्या करती है, शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे को जल्दी कोनो बीमारी सब नहीं होगा। ठीक है, लेकिन अगर क्या होता है कि वही अगर जो है मतलब हम उसको मदर का मिल्क फीड ना करवा करके इसको किसी दूसरे सिंथेटिक मिल्क का जो है अगर हम उसको फीड करवाते हैं तो इससे क्या हो सकता है, तो इस सब तरह की समस्या उसके बॉडी में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो जनरली हम लिखेंगे, और ये जनरली कहाँ पे जो है स्प्रेड होता है, ये ज़्यादातर होता है अंडर डेवलप कंट्री में। अंडर डेवलप कंट्री जैसे अफ्रीका सब कंट्री, जितना भी गरीब देश है, ठीक है, उस गरीब देश में क्या होता है तो किसी को दाल होता है तो चावल नहीं होता है, चावल होता है तो दाल नहीं होता है, ऐसे कंडीशन में क्या होता है वो प्रॉपर डाइट का जो है सेवन वो नहीं करता। ठीक है, जो अंडर डेवलप कंट्री है, ऐसा ऐसा कंट्री जो उतना डेवलप नहीं है, मतलब गरीब देश है, उसके पास पैसा नहीं है, ठीक है, वहाँ पे रोजगार नहीं है लोगों को, तो वो लोग जो अपना खाना जो खाते हैं तो क्या होता है पूर्ण तरह से वो पूरी की पूरी डाइट नहीं ले पाते हैं। अगर उसके बॉडी में प्रोटीन की पूर्ति हो गई तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी पूरी हो गई तो प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस सब तरह का जो है मतलब देखने को कहाँ पे मिलता है कि अंडर डेवलप कंट्री, तो लिखेंगे इसको इट स्प्रेड आउट इन अंडर डेवलप कंट्री, अंडर डेवलप्ड कंट्री, ये ज़्यादातर कहाँ पे देखने को मिलता है, अंडर डेवलप कंट्री में मिलता है। ठीक है ना, ये सब ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, अंडर डेवलप, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया जैसे अफ्रीका हो गया, ठीक है, और भी कई सारा देश है, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब पैसों के मामले में जो है सो गरीब हैं। ठीक है ना, और ऐसे ऐसे मतलब देश में क्या होता है तो लोगों को रोज़गार नहीं मिलता है, लोगों को सही से, अब कुछ कुछ ऐसा देश है जहाँ पे क्या होता है तो वहाँ पे खेती नहीं होती है। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा देश है जहाँ पे क्या होती है खेती नहीं होती है, वहाँ पे जो अनाज होता है वो क्या होता है किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट होके जाता है। ठीक है, वो क्या होता है किसी दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट होके, अगर यहाँ से अगर कोई भी अनाज अगर एक्सपोर्ट होके किसी दूसरे कंट्री में जाएगा क्या होगा, जाहिर सी बात है उसका जो है सो प्राइस क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी हम ही अगर कोई विदेश से कोई सामान आता है, जैसे पेट्रोल हम लोग क्या होता है विदेश से खरीदते हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है महंगा मिलता है ना, उसी तरह से हमारे देश से अगर या किसी अन्य देश से अगर उस देश में अगर अनाज एक्सपोर्ट होके आता है क्या होता है वो चीज़ें महंगी मिलेगी उसको, अगर वो चीज़ अगर महंगा मिलेगा तो लोग क्या करता है उतने अच्छे से उसको एफर्ट नहीं कर पाता है। ठीक है, और अगर लोग उसको एफर्ट नहीं कर पाता है क्या होता है उसको खाने पीने में और उसको डाइट की कमी हो जाती है उसके बॉडी में। ठीक है, और भी इसका जो है सो एग्जाम्पल है, ठीक है, जैसे इसका साउथ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका, ठीक है, अफ्रीका तो हम पहले ही लिखाए ही थे,
ठीक है, लेकिन ज़्यादातर ये कहाँ पे देखने को मिलेगा, वेस्ट सेंट्रल अफ्रीका में देखने को मिलेगा, ठीक है। और ये साउथ अमेरिका में क्यों है, तो साउथ अमेरिका में जनरली जो है मतलब इसलिए है कि देखो जो ज़्यादा जितना हमारे यहाँ भी क्या है, जो टाउन सिटी है, जो मतलब जितने भी डेवलप लोग रहते हैं वो कहाँ पर चले जाते हैं, टाउन में चले जाते हैं, ठीक है। वो टाउन में गए, उसका अपना जो है सो रोज़गार है, सब चीज़ उसको प्रॉपर रूप से मिलता है, लेकिन जो विलेज के लोग होते हैं क्या होता है, कहीं कहीं किसी किसी जगह पे भूखे मरने की नौबत आ जाती है, ठीक है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा विकसित कंट्री है, बहुत ही बड़ा विकसित कंट्री है, तो वो उसके यहाँ जो है सो सबके पास जो है सो खाने का व्यवस्था होगा, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। अगर कोई विकसित देश भी है तो वहाँ भी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत गरीबी है ही, ठीक है। और ऐसे ऐसे लोग जो मतलब जो एक पर्टिकुलर जगह पर रहते हैं, ठीक है, तो उस समय क्या होता है, तो कुपोषण को देखने को मिलता है, इसको भी इस बीमारी को हम कुपोषण भी कहते हैं, ठीक है, कुपोषण, ठीक है। कुपोषण का मतलब क्या, अगर उसके बॉडी में अगर न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी तो उसको क्या बोलते हैं, हम कुपोषण बोलते हैं, ठीक है। अगला है जो हमारा पेम है, जो प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है, ये कितने तरह का होता है, ठीक है, जो हमारा ये प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है वो कितने तरह का होता है, ठीक है, इसको हम डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। हमारा क्या है, पेम, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, ये जनरली कितने तरह का होता है, दो तरह का होता है, क्लियर दिख रहा है, यहां तक क्लियर दिख रहा है, दिख रहा है। पहला होता है मरास्मस, ठीक है, पहला क्या होता है, मरास्मस। देखिए मरास्मस और क्वासियोरकर बोलते हैं इसको, ठीक है ना, एक होता है क्वास योरकर और दूसरा क्या होता है, मरास्मस। एक होता है क्वास योरकर और एक होता है मरास्मस, ठीक है। जो क्वास योरकर होता है ये जनरली किस में होता है, चाइल्ड में होता है, किस में होता है, चाइल्ड में। जो एक साल से ऊपर के बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादातर ये क्वास योरकर की बीमारी देखने को मिलती है, ठीक है। इसको लिखेंगे अकर्स इन चाइल्ड, ठीक है, किस चाइल्ड में, विच मोर देन वन ईयर ऑफ एज, ठीक है। ये ज़्यादातर किस तरह के बच्चों में देखने को मिलेगा, जिसका एज कितना हो, एक साल से ज़्यादा हो, ऐसे बच्चे जिसका एक साल से ज़्यादा हो एज उसका, उसको क्या बोलते हैं, मरास्मस बोलते हैं, ठीक है। और ये जनरली किस में देखने को मिलेगा, ये भी होता है किस में, चाइल्ड में ही, अकर्स इन इन्फेंट बोल सकते हैं, ठीक है, इन्फेंट, ठीक है, विच लेस देन या फिर इन्फेंट बिलो बिलो वन ईयर ऑफ एज। देखिए फर्क समझिए, जो क्वासियरकर होता है वो एक साल से बड़े बच्चों में होता है, जिसका अगर एक साल से ज्यादा उम्र हो जाएगा तो उसमें जो अगर इस तरह का पेम का जो बीमारी होगा उसको क्या बोलते हैं, क्वासियरकर बोलते हैं। और अगर एक साल से नीचे वाला बच्चा है तो उसमें कौन सा बीमारी होगा, मरास्मस होगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है कि क्वासियरकर, ये ऐसा क्वेश्चन आता है कि बताइए जो क्वासियरकर होता है वो किस तरह के बच्चों में होता है, लिख देगा बिलो वन ईयर, ठीक है, वन ईयर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज मोर देन वन ईयर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन जो है सो आता रहता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। जो क्वासियरकर होता है वो एक साल से ऊपर वाले बच्चों के लिए होता है, और जो मरास्मस होता है वो एक साल से नीचे के बच्चों में होता है, इस चीज को ध्यान में रखना। अब है हमारा अगला,
जो क्वासियोरकर होता है इसमें सिर्फ जो है सो प्रोटीन का डिफिशेंसी होता है, डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। जो क्वासियोरकर होता है इसमें सिर्फ प्रोटीन का डेफिशिएंसी होता है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होता है, जो हमारा मरास्मर होता है इसमें डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन एंड कैलोरी बोथ, ठीक है। जो क्वासियोरकर होता है इसमें सिर्फ किसकी कमी होती है, प्रोटीन की। जो क्वासियोरकर होता है इसमें किसकी कमी होती है, सिर्फ प्रोटीन की। और जो मरास्मस होता है वो इसमें किसकी कमी होती है, प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी होती है। देखिए होता क्या है, अगर बच्चा एक साल से ऊपर का हो जाता है, ठीक है, अगर बच्चा एक साल से ऊपर का हो गया, तो जब वो एक साल से ऊपर का हो जाता है तो वो क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है मतलब खाना उना भी खाना स्टार्ट कर देता है थोड़ा बहुत, तो वो क्या होता है, तो खाने उने से क्या होता है उसको कैलोरी मिल जाता है, खाने पीने से क्या होता है उसको कैलोरी मिल जाता है। लेकिन जो प्रोटीन के लिए जो अगर वो दाल वाल जो होता है उसके लिए, वो इसीलिए क्या होता है, जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और खाना उना खाने लग जाता है, उसको क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत दाल और दूध क्या होता है बच्चे को जो है सो पिलाया जाता है। क्यों, क्योंकि उससे क्या होता है उसकी प्रोटीन की डेफिशिएंसी पूरी हो सके, ठीक है। और ज़्यादातर जो है मतलब प्रोटीन की डेफिशिएंसी किस में होती है, वन ईयर के एज के बच्चों में, वन ईयर से ऊपर के एज के बच्चों में। अगर एक साल से ज़्यादा है तो ग्लूकोज तो इसको इधर उधर खाने उने से इसको कार्बोहाइड्रेट मिल गया, इसकी कमी किसकी हो गई इसके बॉडी में, प्रोटीन की, ठीक है। तो ज़्यादातर इसीलिए एक साल से ऊपर के बच्चे में होता है। और ज़्यादातर जो प्रोटीन और कैलोरी का जो है मतलब जो डेफिशिएंसी होता है ये एक साल से छोटे बच्चों में इसलिए होता है क्योंकि सिर्फ इसका एक ही सोर्स होता है दूध, ठीक है। ये दूध का सेवन करता है, मिल्क का से मिल्क फीड करता है। अगर ये मिल्क का जो फीड करता है तो कभी कभी क्या होता है, तो इसका जब मिल्क चेंज होता है तो इसका पूरा कंपोजिशन चेंज होता है, ठीक है ना। इस कमी में क्या हो जाता है, क्योंकि वो एक ही तरह के फूड से वो हर तरह का न्यूट्रिशन ले रहा है, अगर उसमें किसी तरह का कमी होगा तो जब फूड इसका चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, इसमें दोनों चीज़ का कमी होगा, प्रोटीन और कैलोरी दोनों का, क्योंकि एक ही फूड से क्या होता है उसको दोनों तरह का जो है मतलब न्यूट्रिशन मिल रहा है, ठीक है। एक ही फूड से उसको दोनों तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है, और अगर एक ही फूड से दोनों तरह का न्यूट्रिशन मिल रहा है और अगर उस फूड को हम क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे या कमी कर देंगे, तो क्या होगा, दोनों न्यूट्रिशन का कमी होगा, होगा कि नहीं होगा, प्रोटीन का भी और कैलोरी का भी, दोनों न्यूट्रिशन का कमी होगा उसी तरह से। लेकिन इसमें क्या होता है, जब बच्चा होता है तो चावल भी खाना शुरू कर देता है थोड़ा बहुत, रोटी भी खाना शुरू कर देता है, कभी कभी क्या होता है दाल सब्जी नहीं खाता, यानी कि उसमें क्या होता है तो अलग अलग जो है मतलब फूड से क्या होता है, अलग अलग तरह का वो न्यूट्रिशन लेता है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, उसको ग्लूकोज का पूरा हो जाता है शरीर में, लेकिन किसकी कमी हो जाती है, प्रोटीन की कमी हो जाती है उसके बॉडी में, ठीक है। इसका एक अगला पॉइंट लिखेंगे, ठीक है, क्वासियोरकर में लिखेंगे एक्सटेंसिव ओडिमा, ठीक है, और इसमें नो ओडिमा। ओडिमा का मतलब क्या होता है, नहीं दिख रहा है, ये वाला पॉइंट नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये सबको हो गया, लिख लिए हो, मिटा देते हैं। इसमें क्या होता है, क्वासियोरकर में एक्सटेंसिव ओडिमा, इसमें क्या होता है, नो ओडिमा। ओडिमा का मतलब क्या होता है, ओडिमा का मतलब ये होता है, कभी कभी जो है मतलब आपने देखा होगा जो कुपोषित बच्चे होते हैं जिसको सही से उसको पोषण नहीं मिला है शरीर में, उसके अंदर में कभी कभी क्या होता है, उसका जो शरीर होता है पूरा का पूरा सूखा हुआ लगता रहता है, पूरा शरीर सूखा रहेगा, हाथ पैर जो है सो पूरा का पूरा पतला रहता है, ठीक है। बहुत सारा ऐसा बच्चा देखने को मिलेगा, उसका क्या होता है, हाथ पैर पूरा सूखा हुआ रहेगा, पूरा छाती उती का जो है मतलब हड्डी दिखता रहेगा, लेकिन उसका पेट बहुत ज़्यादा फूला हुआ रहता है, ठीक है। और ज़्यादातर ये बड़े बच्चों में होता है,
बड़े बच्चों में होता है, ठीक है। ये 1 ईयर से जो है सो ज़्यादा के जो बच्चे हैं उसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे जो मतलब जो आदिवासी बच्चे होते हैं, ठीक है, उस बच्चों के क्या होता है, पेट एकदम बहुत ज़्यादा ऐसा बड़ा बड़ा सा लगेगा, छोटे छोटे बच्चों में पेट क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है, और उसका हाथ पैर पूरा क्या होता है तो सूखा सूखा सा रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, एक्सटेंसिव ओडिमा। और ये किस में होता है, ज़्यादातर क्वासियोरकर में होता है, ठीक है। अगर उसके बॉडी में प्रोटीन की कमी हो गई, 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है और अगर उसके बॉडी में जो है मतलब क्या हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी, तो उस कंडीशन में उसको क्या हो जाएगा, एक्सटेंसिव ओडिमा हो जाएगा। और एक्सटेंसिव ओडिमा क्या होता है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जो उस बच्चों का क्या होता है, हाथ पैर एकदम ऐसा पूरा सूखा सूखा लगता रहता है, पूरा ऐसे बोन वोन ऐसा दिखता रहता है, लेकिन उसका पेट क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा बाहर दिखता है, ठीक है। उसका पेट क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अब जो मरास्मस होता है इसमें किसी तरह का कोई ओडिमा नहीं होता है, क्योंकि छोटा बच्चा होता है उसमें दोनों चीज़ की जो है सो कमी है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है, अगर उसको सूखना रहता है तो बिल्कुल उसका पेटो सूख जाता है, ठीक है, उसका पेट भी। इसमें क्या होता है, क्वासियोरकर में तो पेट निकल जाएगा, एक्सटेंसिव ओडिमा हो जाएगा, लेकिन इसमें किसी तरह का कोई ओडिमा नहीं होता है। अगर उसके बॉडी को सूखना होगा वो पूरी तरह से सूख जाएगा, उसका स्किन उस्किन से पूरा क्या करेगा, एकदम पतला पतला सा एकदम कागज़ की तरह जो है सो मतलब बन जाता है, ठीक है। अगला है हमारा सबक्यूटेनियस, जो फैट होता है, ठीक है। हमें क्या बताया, इसका जो स्किन होता है, जो उसमें सबक्यूटेनियस जो फैट होता है, जो स्किन के जस्ट नीचे जो फैट जमा हुआ रहता है इंसान का, वो क्या होता है तो जमा रहता है, ठीक है, वो क्या रहता है, जमा रहता है। लेकिन जो मरास्मस होता है उस कंडीशन में क्या होता है कि जो सबक्यूटेनियस फैट होता है वो डिसअपियर हो जाता है, ठीक है। इसको लिखेंगे सबक्यूटेनियस फैट स्टिल प्रेजेंट, ठीक है, स्टिल प्रेजेंट। सबक्यूटेनियस फैट जो होगा वो इसमें प्रेजेंट होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, सबक्यूटेनियस फैट डिसअपियर, सबक्यूटेनियस फैट क्या होगा, इसमें डिसअपियर हो जाएगा, ठीक है। जो मरास्मस का जो बीमारी होगा किसी को, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका जो सबक्यूटेनियस फैट है, ठीक है, जो इसके जस्ट स्किन के नीचे जो फैट का लेयर रहता है, इसमें क्या होता है, ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे मरास्मस में। क्यों ख़त्म हो जाता है, क्योंकि मरास्मस में क्या होता है, कैलोरी का भी कमी होता है, तो फैट को वो क्या करता है, तो बर्न कर करके उसमें से क्या करता है, तो वो कैलोरी निकाल लेता है। इसीलिए क्या होता है, इसका सबक्यूटेनियस फैट का लेयर क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और इसमें क्या होता है, तो कैलोरी तो बहुत ज़्यादा पहले से है ही, कमी किस चीज़ की है, प्रोटीन की कमी है, ठीक है। तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए क्या होता है, तो फिर उसको हम प्रोटीन का डाइट देते हैं, लेकिन ग्लूकोज का तो कमी होता नहीं है उसको, इसलिए इसका जो है सो फैट प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अगला लिखेंगे हम, ये नोट हो गया, अगला है हमारा वेडिंग ऑफ मसल एंड थिनिंग ऑफ लिम्ब, थिनिंग ऑफ लिम्ब। इसमें क्या होता है, तो मसल धीरे धीरे क्या करता है, तो ऐसा लगता है कि पूरा खत्म हो गया, ठीक है ना, उसके पूरे हड्डी ऐसे, उसका जो बोन होता है वो पूरा का पूरा दिखने लगता है, ठीक है। इसका पूरा का पूरा बोन क्या होता है, दिखने लगता है, ठीक है, इसका पूरा का पूरा बोन जो है सो दिखने लगता है। और इसका लिम्ब, हाथ पैर क्या होता है, तो बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है, ठीक है। इसका हाथ पैर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा पतला हो जाता है। अब जनरली इसमें क्या होता है, इसको लिखेंगे, इसमें भी क्या होगा, थिनिंग ऑफ लिम्ब, थिनिंग ऑफ लिम्ब। यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होगा, जो इसका लिम्ब है ये क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। यानी कि थिन लिम्ब, थिन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका हाथ पैर जो है सो पूरा का पूरा सूख जाएगा, पतला पतला हो जाएगा, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, थिनिंग ऑफ लिम्ब बोलते हैं। अगला है हमारा
जो क्वासियोरकर होता है इसमें जो स्किन होता है वो थोड़ा थोड़ा सा ऐसे स्वेलन स्वेलन टाइप का लगता है, ठीक है। स्किन टू बी अपियर स्वेलन, ठीक है। इसका जो स्किन होता है वो थोड़ा थोड़ा सा क्या होता है, स्वेलो टाइप का जो है सो फूला फूला सा लगता रहता है, ठीक है ना। इसका जो स्किन होता है वो क्या होता है, नहीं दिख रहा है? अब ये अपियर टू बी अपियर स्वेलन, ठीक है। इसका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा क्या होता है, तो मोटा मोटा सा जो है सो दिखता रहता है। जिसमें क्वासियोरकर में क्या होता है, इसका स्किन थोड़ा सा मोटा दिखता है। क्यों क्वासियोरकर में इसका स्किन मोटा दिखता है, क्योंकि सब क्यूटेनियस फैट का लेयर प्रेजेंट होता है इसके पास, ठीक है ना। इसीलिए इसमें क्या होता है, इसका स्किन जो है सो थोड़ा सा फूला लगता है। इसमें क्या होता है, मरास्मस में क्या होता है, तो स्किन ड्राई हो जाता है। लिखेंगे स्किन इज ड्राई एंड रिंकल, स्किन इज ड्राई एंड रिंकल, ठीक है। स्किन इज ड्राई एंड रिंकल, इसमें स्किन क्या हो जाएगा, एकदम सूखा सूखा सा हो जाएगा, पूरा सूख जाएगा और एकदम ऐसे झुर्री झुर्री टाइप का, एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट, जैसे मतलब एक जो है मतलब जो कोई आदमी बूढ़ा हो जाता है, तो बूढ़ा हो जाता है तो उसका स्किन कैसा लगता है, एकदम ऐसे लगता है पूरा पेपर की तरह है, ठीक है। ये मरास्मस में होगा, इसका स्किन क्या हो जाएगा, इसमें ड्राई हो जाएगा। क्यों ड्राई हो जाएगा, क्योंकि इसका जो सबक्यूटेनियस फैट का लेयर है वो इसमें नहीं है, और इसमें क्या है, सबक्यूटेनियस फैट का लेयर प्रेजेंट है, इसीलिए क्या होता है, इसका स्किन सोलन रहता है, थोड़ा सा फूला फूला टाइप का रहता है, ठीक है। और इसका क्या होता है, सूख जाता है इसका स्किन, ठीक है। अगला है हमारा, इसमें बच्चे का जो है मतलब वेट जो है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, अंडर वेट चिल्ड्रेन, अंडर वेट चिल्ड्रेन, ठीक है। जो चिल्ड्रेन का जो वेट होगा, जो वजन होगा चिल्ड्रेन का, बच्चे का जो वजन होगा वो क्या होगा, कम होगा। बच्चे का वजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। और इसमें भी क्या होगा, अंडर वेट चिल्ड्रेन इसमें भी हो जाएगा, इसमें भी क्या होगा, वेट लॉस, वेट लॉस, इसमें भी क्या हो जाएगा, वेट लॉस, यानी कि दोनों कंडीशन में क्या होगा, वेट घट जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हम लोग जो है मतलब देख रहे थे कि मतलब प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो तरह का होता है, एक होता है क्वासियोरकर और एक होता है मरास्मस। जो क्वासियोरकर होगा वो एक साल से ऊपर के बच्चे में होगा, और जो मरास्मस होगा वो एक साल के नीचे से के बच्चों में होगा, ठीक है, न्यू बॉर्न बेबी इन्फेंट में होगा, ठीक है। जो क्वासियोरकर होता है वह सिर्फ प्रोटीन की कमी से होता है, और जो मरास्मस होता है वो प्रोटीन और कैलोरी दोनों की कमी की वजह से होता है, ठीक है। जो क्वासियोरकर को हम कैसे पहचानेंगे कि होगा, तो क्वासियोरकर में क्या होता है, उसको एक्सटर्नल एडिमा हो जाता है। एक्सटर्नल एडिमा का मतलब क्या होता है, यानी कि उसके बॉडी में जो है मतलब स्वेलिंग हो जाता है, उसके बॉडी में स्वेलिंग हो जाता है, उसका शरीर एकदम सूझा सूझा सा टाइप का लगता रहता है। कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि बच्चों में उसका हाथ पैर पूरा सूख जाता है और पेट उट में पूरा स्वेलिंग आ जाता है, पूरा पेट फूल जाता है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल ओडिमा बोलते हैं। ओडिमा का मतलब ही होता है स्वेलिंग, ओडिमा का मतलब क्या होता है, स्वेलिंग। क्वासियोरकर में क्या हो जाएगा, उसके बॉडी में क्या हो जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जो मरास्मस होगा, मरास्मस में एकदम पूरा शरीर पूरा सूखा सूखा सा लगेगा, एकदम कहीं पे कोई स्वेलिंग नहीं होगा, पूरा थिनिंग ऑफ लिम्ब, लिम्ब का क्या हो जाएगा, पूरा थिनिंग हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो क्वासियोरकर होता है, इसमें सबक्यूटेनियस फैट का लेयर क्या होता है, तो प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबक्यूटेनियस फैट का लेयर प्रेजेंट होता है, यही रीजन है कि इसका जो स्किन होता है वो थोड़ा सा स्वेल रहता है, ठीक है। और जो मरास्मस होता है, इसमें सबक्यूटेनियस फैट का लेयर अब्सेंट रहता है, इसी वजह से ये क्या होता है, ड्राई और रिंकल्ड हो जाता है, ठीक है। देखिए, जो क्वासियोरकर हो चाहे मरास्मस हो, ये दोनों अफेक्ट करता है किसको, मेंटल ग्रोथ को, ठीक है। ये चाहे क्वासियोरकर हो चाहे मरास्मस हो, ये क्या करता है, फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ को अफेक्टेड करता है। इसको लिखेंगे एक लाइन में,
इन स्टार मार के लिखेंगे, इन क्वास योर्कर एंड मरास्मस फिजिकल एंड मेंटल ग्रोथ क्या हो जाएगा अफेक्टेड, क्या हो जाता है इन, चाहे क्वास योर्कर हो चाहे मरास्मस हो, फिजिकल और मेंटल दोनों ग्रोथ क्या हो जाता है अफेक्ट होता है इसका। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है। इसमें हमने पूरा विटामिन और प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन दो चीज़ें कवर किया है, एक विटामिन का और एक प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन का। ठीक है, तो अगला लेक्चर अब हमारा ये ख़त्म होता है। ठीक है, अब जो हमारा लेक्चर आने वाला है वो अगला चैप्टर है रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, रेस्पिरेशन पे हमारा अगला लेक्चर आने वाला है। ठीक है, रुको।